हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। शो में अब सीरत की माँ यानी सीला पर और मुकेश पर बड़ी मुसीबत आई है, जहाँ पर अब देखने को मिलने वाला है कि सीला को कोई ब्लैकमेल कर रहा है और वो कुछ पैसों की डिमांड कर रहा है और जल्दी से जल्दी उसको उसके पैसे चाहिए, वरना वो उसका बुरा हाल करेगा उसके बेटे का और उसके पति का। और यहाँ पर हाई वोल्टेज सामान देखने को मिलने वाला है कि दादी अपनी माँ की दिए हुए कंगन सीरत को और अपने बहुओं को एक एक बार पहनने को देती हैं और वो सीरत को भी पहनने को देती हैं, लेकिन वो पूजा के घर में रखे होते हैं और इसी वक्त में वो कंगन चोरी हो गए और किसी और ने नहीं सीला ने ही वो कंगन चुराए हैं। इसके बाद यहाँ पर घर वाले और कार्तिक सब बात छुपाने की कोशिश करते हैं ताकि सीरत तक की बात ना पहुँचे। और मनीष कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम सीरत से छुपाएंगे नहीं, लेकिन उन सीला की बातों को नज़रअंदाज भी नहीं करेंगे, हम चोरी को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, वो तो पता नहीं कल को क्या चुरा ले। और मनीष भड़क जाता है और कार्तिक उन्हें चुप करवाने की कोशिश करता है, लेकिन कार्तिक की बातों को सुनने से पहले ही यहाँ पर सीरत उसकी माँ सच में सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि उसकी माँ ने कंगन चुराए हैं। उसके बाद देखने को मिलने वाला हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर सीरत अब सीला को घर से धक्के देकर बाहर निकालने की कोशिश करेगी, साथ में उसे पूछेगी कि आखिर उसने कंगन चुराए तो कैसे चुराए। उसके बाद में सीला ये कह देगी कि भाई उसको बहुत पैसों की जरूरत है और उसके भाई को किडनैप कर लिया है और अब वो अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो जल्दी ही उस बच्चे को भी नुकसान पहुंचा सकता है, यानी सीरत के भाई को, और सीरत अपने भाई की जान खतरे में है। और यही सबसे बड़ा सच सामने आने वाला है कि सीला को ब्लैकमेल किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। और अब सीरत के घर वाले यहाँ पर यानी मनीष वगैरह सब मदद करते दिखने वाले हैं, तो वही अब सीला पर बड़ी मुसीबत आ गई है और यही मुसीबत अब उसको सुधारेगी और सीला अब जल्दी ही सुधर कर घर वालों से और सीरत से सबसे माफ़ी भी मांगेगी। तो काफ़ी हाई वोल्टेज हमें देखने को मिलने वाला है। अब देखना है कि कितनी आसानी से सीला सुधर है या फिर कोई और भी पंगा यहाँ करेगी।